हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसकी टाइप्स पर मैंने प्रीवियस वीडियो भी डाली है, जिनमें मैंने डिस्कस किया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इट्स टाइप में रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इन वीडियोज का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियोज को देख सकते हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स ऐड करें। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी डाउट्स भी डाल सकते हो, कोई क्वेश्चन आपको समझना है, कोई टॉपिक आपको समझना है, कोई चैप्टर अगर आपको समझना है तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज। तो जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल जो कि वेपराइज नहीं होता है, वेपर फॉर्म नहीं करता है, तो जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अराइज होती है। तो हमेशा ध्यान रखना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जब भी किसी न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा हो कि एड 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो भी लिखा हो, तो जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हम उनके फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे। तो आज की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देन वी व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर वाली वीडियो में, तो आप वहां से इसको पूरा डिटेल में समझ सकते हो। तो जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, आपको फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाता है। उसका रीजन भी मैंने बताया था कि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना होता है। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ जाते हैं, जो कि वेपर फॉर्म तो करेंगे नहीं। तो अब सरफेस पर लेस मॉलिक्यूल अवेलेबल है जो कि वेपर्स बनाएंगे और जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। लेकिन हम पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। यानी फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब हमारा लिक्विड और सॉलिड बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। जब आप फ्रीजर में चेक करते हो या किसी लिक्विड को आप फ्रीज करना चाह रहे हो तो उस लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट पर उस बीकर के अंदर आइस भी होगी, अगर वाटर है तो आइस भी होगी और लिक्विड भी होगा। यानी एट 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड वाटर एंड लिक्विड वाटर बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो उनका वेपर प्रेशर वो भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो इक्वल हो जाती है। तो हेंस द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट लिक्विड वाटर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड वाटर विच इज आइस। तो आइस तो लो टेम्परेचर पे फॉर्म होगी ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो एक लो टेम्परेचर होता है। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन कब होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एड करेंगे टू द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, हेंस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो डिक्रीजेस। अब क्वेश्चन अराइजेस कि सॉल्यूशन बनने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। सपोज हमने 20 ग्राम शुगर लिया या 20 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया और उसको वाटर में ऐड कर दिया। आपने उस सॉल्यूशन को बनाया और फ्रीजर के अंदर रखा फ्रीज करने के लिए, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि बिलो 0 डिग्री सेल्सियस अब वो क्या कर रहा है, फ्रीज कर रहा है।
सपोज मैंने बोला कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज -10 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो गया? अब हम उसको समझते हैं कि डिप्रेशन क्यों आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो सबसे पहले हम एक वर्ड यूज करें एंट्रोपी, एंट्रोपी को समझेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, जब हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो एंट्रोपी क्या होती है? रेंडमनेस होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिसऑर्डरनेस होती है, ठीक है। तो गैसेस के मॉलिक्यूल, मान लो आपने रूम में परफ्यूम स्प्रे किया, तो आप देखते हो कि आपने एक कॉर्नर में स्प्रे किया, वो पूरे रूम में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं एयर के अंदर। यानी जो गैसेस के मॉलिक्यूल है वो ज्यादा फ्रीडम है, उनके पास ज्यादा फ्रीडम है, वो ज्यादा फ्री है। जितनी ज्यादा फ्रीडम होती है पार्टिकल के पास, उतनी उनमें डिसऑर्डरनेस होती है, उतनी क्या होती है उनमें रैंडमनेस। तो गैसेस के मॉलिक्यूल की एंट्रोपी सबसे ज्यादा है। सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी पोजिशन पे फिक्स्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनमें डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, फ्रीडम नेग्लिजिबल होती है, यानी हैव नेग्लिजिबल एंट्रोपी। इनकी एंट्रोपी सबसे कम, गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा, लिक्विड मॉलिक्यूल की एंट्रोपी इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैस। इंटरमीडिएट मतलब गैसेस से तो कम, सॉलिड से ज्यादा। अब फ्रीजिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर है जब आपको लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करना है? सॉलिडिफाई करना है। आपको लिक्विड को क्या करना है? सॉलिडिफाई करना है। यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल की एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इज हायर एज कंपैरिजन टू सॉलिड। यानी सॉलिड के पार्टिकल की एंट्रोपी क्या होती है? कम होती है, है ना। तो लिक्विड को सॉलिड में कम कन्वर्ट करना है तो आपको इनके एंट्रोपी को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना, तभी लिक्विड क्या होगा? सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी होती है, उतने पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। उतनी ज्यादा वो मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, विच इज एनर्जी ड्यू टू मोशन, तो उतनी ज्यादा उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ जाएगी तो रेंडमनेस बढ़ जाएगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी। तो अगर आपको एंट्रोपी को डिक्रीज करना है, क्योंकि आपको लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो आपको एंट्रोपी को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। तो टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। तो एट लो टेम्परेचर हमारा लिक्विड क्या हो रहा है? सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, वॉटर जो है वो सॉलिडिफाई हो रहा है, आइस बना रहा है, क्योंकि हमें एंट्रोपी को क्या करना है? डिक्रीज करना है। अच्छा, जब एंट्रोपी धीरे धीरे डिक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगी और उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, जिसकी वजह से वो सॉलिडिफाई होंगे। तो यहां पे हमें टू पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। एंट्रोपी, कि अगर आपको किसी भी लिक्विड को फ्रीज करना है तो एंट्रोपी शुड बी डिक्रीजेस। जो एंट्रोपी हो कम होनी चाहिए, तब हमारी लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सेकेंड पॉइंट, जैसे जैसे एंट्रोपी डिक्रीज होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, तब जाके वो सॉलिडिफाई होगा। तो एट जीरो पर जो हमारे लिक्विड है उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, और हमारा जो वाटर फ्रीज होके आइस बना देता है, ठीक है। अब हमने क्या किया? वाटर में डाल दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो आपने क्या कर दिया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को एड कर दिया और आपने क्या बना दिया? सोल्यूशन फॉर्म कर दिया। क्या किया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल के सोल्यूशन बना दिया। अब जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन की एंट्रोपी बढ़ जाती है, यानी एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन इज मोर एज कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। जो सोल्यूशन की एंट्रोपी है वो ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। तो हमें ज्यादा टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा कि सोल्यूशन की एंट्रोपी जो है वो नेग्लिजिबल हो जाए, डिक्रीज हो जाए, और सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल है उनके बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो एंड वो सॉलिडिफाई हो। हेंस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। यानी अगर मैं बोलूं कि 20 ग्राम हमने शुगर डाला वाटर में और उसका फ्रीजिंग पॉइंट इज -10 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे आपने शुगर डाला है वाटर के अंदर तो एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी बढ़ गई है, क्योंकि शुगर पहले सॉलिड था, आपने उसको लिक्विफाई कर दिया, उसको लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, तो एंट्रोपी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई।
तो आपको एंट्रोपी को डिक्रीज करना है तो आपको और ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा सॉल्यूशन का इज लेस एज कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जो सॉलिड है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में एंट्रोपी नेग्लिजिबल होती है क्योंकि पार्टिकल अपनी पोजिशन पे फिक्स्ड होते हैं। लिक्विड, हम सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर कर रहे हैं, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास हैव हायर एंट्रोपी एज कंपेरिजन टू सॉलिड, यानी उनकी एंट्रोपी रेंडमनेस ज्यादा होती है ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी। अब आपको क्या करना है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड की एंट्रोपी है ज्यादा, सॉलिड की जो एंट्रोपी है कम, तो आपको एंट्रोपी को डिक्रीज करना पड़ेगा। एंट्रोपी डिक्रीज कब होगी, एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा एंट्रोपी बढ़ी, आपको एंट्रोपी डिक्रीज करनी है तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, एंट्रोपी डिक्रीज होगी, मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी और वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, सॉलिडिफाई। अब आप नेक्स्ट केस लेते हैं, हमने जो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको ऐड कर दिया सॉल्वेंट में, तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है जो सॉल्यूशन बना उसकी एंट्रोपी इस प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, एंट्रोपी इंक्रीजेस जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी इसके केस में ज्यादा होगी, सॉल्यूशन के केस में बढ़ गई है, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि उसकी एंट्रोपी नेग्लिजिबल हो और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो और वो क्या हो, सॉलिडिफाई हो। एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल है वो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में आते हैं और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर और डिक्रीज करना पड़ता है, जो एंट्रोपी है सॉल्यूट की वो डिक्रीज हो जाए, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाए और हमारे सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो, हेंस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ठीक है, तो व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो सपोज हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं, ये वेपर प्रेशर ये टेम्परेचर, हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे ले लिया वेपर प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर जो भी आज का टेम्परेचर है, हमने एक क्लोज कंटेनर लिया और क्लोज कंटेनर में हमने सॉल्वेंट को फिल किया, मैनोमीटर लगाया और हमने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर फाइंड आउट किया। तो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें वेपर प्रेशर को, लिक्विड वाटर के वेपर प्रेशर को सॉलिड वाटर के वेपर प्रेशर के इक्वल लाना है, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी लिक्विड को आपको फ्रीज करना है। तो वेपर प्रेशर सॉलिड, यानी वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वाटर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ आइस, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो हमें पता है सॉलिड का वेपर प्रेशर तो बहुत कम होता है, तो आपको अगर वेपर प्रेशर सॉलिड आइस के इक्वल आना है तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हम धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस, एज वी नो दैट वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीजेस वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस। तो दिस ग्राफ इज फॉर लिक्विड सॉल्वेंट, ये लिक्विड सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, धीरे धीरे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो है कुछ मॉलिक्यूल क्या होंगे, सॉलिडिफाई होंगे एट जीरो, आइस बन जाएगी और एक टेम्परेचर आएगा जब दोनों लिक्विड वाटर और आइस का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी दोनों लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट का। तो दिस इज टीएफ नॉट, विच इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। बिलो दिस जीरो या बिलो दिस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सारा का सारा सॉलिड सॉल्वेंट प्रेजेंट, यानी सिर्फ ये लोएस्ट टेम्परेचर है जब सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, जस्ट बिलो दिस टेम्परेचर सारा का सारा जो लिक्विड है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो दिस ग्राफ इज फॉर सॉलिड सॉल्वेंट।
ठीक है, दिस ग्राफ इज फॉर लिक्विड सॉल्वेंट, दिस इज फॉर सॉलिड एंड दिस इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट. अब हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो हमें पता है वेपर प्रेशर डिक्रीजेस सेम टेम्परेचर पे, सेम रूम टेम्परेचर पे. अब हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, तो इसलिए हम सॉल्यूशन का लाइन नीचे बना रहे हैं, ग्राफ नीचे बना रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे क्योंकि हमें एंट्रोपी को डिक्रीज करना है, तो धीरे धीरे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं. लेकिन सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सॉल्यूट भी प्रेजेंट है जो कि इंटरफेरेंस करेगा और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हमें ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा कि सबकी एंट्रोपी क्या हो जाए, नेग्लिजिबल, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो. ठीक है, तो हम धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता जा रहा है. एक टेम्परेचर आएगा which is below freezing point of pure solvent, below this temperature, जब जो solution है, solution में जो vapor pressure है, वो किसके equal हो जाएगा, vapor pressure of solid solvent. तो उस time, क्योंकि बेटा जब liquid मतलब solid और solvent को mix करके आप solution बना रहे हो, तो solute यहाँ पे non-volatile है, तो जो भी vapor pressure आ रहा है solution के अंदर, वो भी solvent के through ही आ रहा है, ठीक है? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, द टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे. ठीक है, तो ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है किसकी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो यहां से आपको डिप्रेशन क्या पता चल रहा है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो डेल्टा टीएफ इज डिप्रेशन, कितना डिक्रीज हुआ है सॉल्यूट डालने के बाद, is delta TF which is equal to TF naught minus TF. So this delta TF is depression in freezing point which is a colligative property and colligative property depends upon amount of solute. So yahan pe jo delta TF hamari colligative property hai is directly proportional with molal yani molality, molal concentration of solute. तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, हियर द कांस्टेंट इज केएफ. ठीक है, कांस्टेंट इज केएफ. केएफ क्या है यहां पे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इन टू एन. ठीक है, डेल्टा डी एफ इक्वल टू के एफ एम. अब डेल्टा डी एफ इक्वल टू के एफ एम, एम को हम खोलेंगे, फॉर्मुला पुट करेंगे, मोलैलिटी विच इज मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज गिवन मास, given mass of solute which is represented by WB divided by molar mass MB divided by mass of solvent which is mass of solvent which is WA. ठीक है, WB is mass of solute, MB capital MB is molar mass of solute, WA is mass of solvent which is in मतलब किलोग्राम, जो कि हमें किलोग्राम में लेना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है वो क्या आता है, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, डिफाइन दिस मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, कि जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इसको डिफाइन करो, एक सेट में आ जाता है डिफाइन, या व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. तो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है कि किसी भी कॉन्स्टेंट को अगर हमें डिफाइन करना है, किसी भी कॉन्स्टेंट को डिफाइन करना है तो उसके साथ में जो भी टर्म है उसको यूनिटी ले लो, यूनिटी मतलब वन ले लो. तो सपोज इफ एम इज वन मोलर, एम इज वन मोलर, देन दिस डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ. अगर हम मोलैलिटी यानी कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की वन मोलर ले लेते हैं, देन के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ. तो हैंस के एफ इज डिफाइंड एज, के एफ को कैसे डिफाइन करेंगे, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज के एफ, is defined as किसके इक्वल है, डेल्टा टीएफ. और डेल्टा टीएफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट.
डिफाइन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज वन मोलर, व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज वन मोलर. अगर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन वन मोलर है देन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डेल्टा टीएफ के इक्वल होते हैं, विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डायमेंशन फॉर केएफ या यूनिट फॉर केएफ, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है. तो यूनिट कैसे निकालेंगे हम, जिसकी भी यूनिट पूछी है उसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजी से कर सकते हो, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा. तो डेल्टा टीएफ अपॉन एम इक्वल टू केएफ. तो डेल्टा टीएफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर कैसा यूनिट क्या है, केल्विन. तो डेल्टा टीएफ का जो डिफरेंस आएगा वो भी केल्विन में आएगा. एम इज मोलर कंसेंट्रेशन विच इज नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स यानी मोल, मास ऑफ सॉलिड इन केजी यानी पर केजी, तो मोल पर किलोग्राम. तो केएफ की यूनिट क्या आ गई फाइनली, केएफ इज केल्विन किलोग्राम पर मोल. यूनिट फोर केएफ इज केल्विन किलोग्राम पर मोल. ठीक है, तो एक बार फाइनल रिवाइज करते हैं कि हमने इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा क्या. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बन जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस. तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता है वो मैंने वीडियो में भी आपको समझाया कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल होता है, या वो टेम्परेचर जब सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें, उनकी मेजरेबल प्रॉपर्टी सेम हो जाए. तो हमें पता है हमें लिक्विड को सॉलिडिफाई करना है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है सॉलिड की एंट्रोपी कम. तो अगर आपको लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को सॉलिडिफाई करना है, तो आपको एंट्रोपी को डिक्रीज करना पड़ेगा. एंट्रोपी डिक्रीज करने का तरीका टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो. इसलिए हम धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं जब दोनों की मतलब लिक्विड की और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यानी लिक्विड की एंट्रोपी नेग्लिजिबल हो जाएगी तो वो सॉलिडिफाई होगा, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स डेवलप होगी. सेकंड पॉइंट, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखो कि एंट्रोपी बढ़ गई, यानी जो प्योर वाटर था उसके कंपेरिजन में सॉल्यूशन की एंट्रोपी ज्यादा है, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा सो डेट द एंट्रोपी डिक्रीज होके उनके बीच में क्या आ जाए, मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, और वो क्या हो जाए सॉलिडिफाई. फिर हमने पढ़ा डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफएम, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. डेल्टा टीएफ इज टीएफ नॉट माइनस टीएफ, टीएफ नॉट माइनस टीएफ. हियर टीएफ नॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, टीएफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज डेल्टा टीएफ व्हिच इज इक्वल टू केएफएम. तो केएफ इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसकी डेफिनेशन कैसे करोगे, किसी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना है तो उसके साथ में जो भी टर्म उसको वन ले लो, यूनिटी ले लो. तो हमने लिया इफ एम इज वन मोलर देन डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ, देन द केएफ इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज वन मोलर. तो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या होगी, वन मोलर. फिर हमने यूनिट निकाली कि हम केएफ की यूनिट डायमेंशन आ जाती है, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर केएफ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. तो हमने यहां से निकाला डेल्टा टीएफ बाय एम इक्वल टू केएफ. डेल्टा टीएफ की यूनिट होगी के केल्विन, एम की यूनिट होगी मोल्स पर किलोग्राम, देन केएफ की यूनिट क्या होगी केल्विन किलोग्राम पर मोल. तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी मैं लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वीडियोस को अगर आपको सीक्वेंस में देखना है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. थैंक यू.